ये कि वो डेथ हो चुकी थी उनकी, वो जीवित हो गई, जीवित हुई है। 3 घंटे बाद उसको हल्की से सांस आई, हे बालाजी, राम राम करके लड़की हमारी खड़ी हो गई। आपने देखा किस तरीके से मरी लड़की जिंदा हो गई बागेश्वर धाम में। ये 11 अगस्त की घटना है। एक माँ अपनी बेटी को टुंडला से बागेश्वर धाम लाती है। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि ये अब नहीं बच पाएगी, लड़की पर भूत बाधा थी। माँ बेटी को जैसे तैसे ही बागेश्वर धाम लाती है, भूत बाधा काफी परेशान करने लगती है। जैसे तैसे मंदिर की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। फिर दोनों अन्नपूर्णा के भंडारे के पास पहुंच जाती है और उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद माँ बेटी का साथ छूट जाता है और बेटी के ऊपर से 3-4 हजार लोग गुजर जाते हैं, जिससे माँ चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है। फिर 1-2 घंटे बाद उसको उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन जब तक बेटी की मौत हो जाती है। बेटी को मरा हुआ देखकर माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं। सब कहते हैं कि यह लड़की तो मर चुकी है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बागेश्वर धाम में दरबार चल रहा था, तभी वहाँ के कर्मचारी वहाँ गुरुजी के पास जाकर सारी घटना के बारे में बताते हैं। तभी गुरुजी कर्मचारी को भभूति दे देते हैं और कहते हैं, जाओ इस भभूति को उस लड़की के मुख में डाल देना। फिर कर्मचारी वहाँ लड़की की माँ को भभूति दे देते हैं और कहते हैं कि इसे लड़की के मुख में डाल दो। माँ जैसे ही बच्ची के मुख में भभूति डालती है तो उसके 3 घंटे बाद उसकी सांस चलने लगती है और लड़की सीताराम बोलते हुए खड़ी हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। जय बागेश्वर धाम।